अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। मैं कोशिश कर रही हूँ खुशहाल देश की चहक सुनने की। गौर से सुनिए, आपको भी आवाज जरूर आएगी। भारत जल्द ही LAC के नजदीक इन रफाल विमानों को तैनात करेगा, तो रफाल से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। एक ऐतिहासिक लम्हा भारतीय वायुसेना के लिए, भारतीय सेना के लिए, देश के लिए। आज हम सबसे पहले भारत को मजबूती देने वाली उड़ान का विश्लेषण करेंगे, और ये वो उड़ान है जिससे हमारे यहाँ कुछ लोग आज परेशान भी हो गए होंगे। ये वही आवाज है जिसके लिए हमारे भारतीय मीडिया, या मैं ये कहूँ कि वही मीडिया जो कभी मनस्ट्रीम मीडिया बन जाती है तो कभी गोदी मीडिया, देश में कितने भी गंभीर मुद्दे आ जाएं, लेकिन हमारी मनस्ट्रीम मीडिया सारे मुद्दे छोड़कर खुशी का कारण ढूंढ ही लेती है। देश और दुनिया इस वक्त कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हर तरफ इसकी हाहाकार भी मची हुई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपको इसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ गोदी मीडिया ने चुप्पी साध रखी है। खैर, इस महामारी के लिए देश दुनिया का विज्ञान वैज्ञानिक दोनों दिन रात लगे हुए हैं, और आज नहीं तो कल इसकी दवा और इलाज दोनों जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। लेकिन उस बीमारी का क्या जो हर किसी को नहीं दिखाई देती, जो मानसिक है, जो छिपी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जातिवाद की। जो लोग हमेशा इस बात का बखान करते नहीं थकते कि अब जातिवाद खत्म हो चुका है, 21वीं सदी में जातिवाद जैसा कुछ नहीं है, वो जरा एक बार इस वीडियो पर नजर डालें और बताएं ये जातिवाद नहीं तो और क्या कहलाएगा। आगरा में 24 साल की एक दलित महिला की मौत हो जाती है। इस महामारी के समय में परिवार वाले पास के शमशान घाट उसका अंतिम संस्कार करने जाते हैं। चिता तैयार है, आग देने की देर ही थी कि वहां सवर्ण जाति के कुछ लोग पहुंचते हैं और चिता जलाने का विरोध करते हैं। हमारी मनस्ट्रीम मीडिया ने महिला की जाति तो बता दी, लेकिन उसकी चिता को अग्नि देने से रोकने वालों की जाति हमेशा की तरह दबंग कहकर छिपा दी गई। महिला नट जाति की थी, जीते जी तो जाति उसको छोड़ न सकी, लेकिन मरने के बाद भी जाति उसका पीछा ना छोड़ पाई। महिला के ससुर ने बताया कि वे बहू को जलाने पास के शमशान लेकर गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी चिता को आग नहीं देने दी। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामले हैं जो आए दिन देखे जाते हैं। कुछ सामने आते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा छिप जाता है। मैं यहाँ ऐसे ही कुछ किस्सों की बात कर रही हूँ जिन्हें शायद एक समय के बाद भूल सकते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं भूलते जिनके साथ ऐसा हुआ है या जिनके परिवार के साथ ऐसा हुआ है। शायद आपको याद होगा या आपको दिखाई ही नहीं दिया होगा, आपके सामने ही नहीं आया होगा कि पिछले साल तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, जिसमें एक दलित के अंतिम यात्रा को कथित सवर्णों ने अपने खेतों से जाने से रोक दिया था। इसलिए परिवार वालों ने पुल से रस्सी की मदद से शव को नीचे उतारा और खाली जगह पर चिता को आग देनी पड़ी। ये बर्बरता यहीं खत्म नहीं होती। साल के शुरू में राजस्थान के नागौर में दो दलित युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में दोनों युवकों पर चोरी का शक था, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने इसकी सजा उन्हें वहीं दी। लोगों ने
युवक के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल और पेचकस डाला था। लेकिन आपकी भावनाएं यहाँ आहत नहीं होंगी, क्योंकि आपके अनुसार ये उस समाज के साथ हो रहा है जो सदियों से ये झेलता आया है, और ऐसा झेलना ही इनकी नियति में है। हाँ, हमारी भावनाएं तो आहत होती हैं गाय और मंदिर जैसे मामलों पर। आराम से शांति से जरा सुन लीजिए, कुरान शरीफ पे दूसरों को अरे लो सुअर तुम्हारी शक्ल में है दोस्त, सुअर तो तुम्हारी शक्ल है, मुझे कुछ कहने की जरूरत। हम अब मशीन बन चुके हैं जिसमें एक बटन धार्मिकता का लगा हुआ है। इंसानियत के बटन को जंग लग चुका है। जैसे ही धर्म पर बात होती है हमारे अंदर के पुर्जे काम करने लगते हैं, लेकिन जहां बात इंसानियत के लिए आवाज उठाने की होगी हमारे मशीन के पुर्जे काम करना बंद कर देंगे। इसी तरह की घटना कल ट्विटर पर देखने को मिली जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसे कुश अम्बेडकरवादी ने सबसे पहले शेयर किया था, जिसके बाद लगातार जिग्नेश मेवानी, स्वरा भास्कर, सयानी गुप्ता आदि लोगों ने इसे रिट्वीट किया। ये वीडियो राजस्थान के बाड़मेर का बताया जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक दलित व्यक्ति के हाथ पेड़ से बंधे हुए हैं, उसे गालियां दी जा रही हैं, और एक दूसरा व्यक्ति कांच की बोतल से जबरदस्ती उसे पेशाब पिला रहा है। पेड़ से बंधा व्यक्ति डरा हुआ है, सहमा हुआ है और कुछ भी करने में असमर्थ है। उसका सिर कहीं कहीं से मुड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। पीछे कुछ बच्चे भी खड़े हैं हाथ में रस्सी जैसा कुछ लेकर, और वे भी बंधे हुए व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। क्या आपको समझ आ रहा है हम किस तरह का भारत बना रहे हैं? हम अपनी आने वाली पीढ़ी को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? इस तरह के वाक्या क्या आपको विचलित नहीं करते? इस तरह की घटनाएं देखकर आपका दिल नहीं झकझोरता? जिस देश में एक समाज दूसरे समाज से डर कर रह रहा हो, जिसे ये भी नहीं पता कि कथित उच्च जाति के लोगों को कब क्या बुरा लग जाए जिसकी वजह से उसे जान गंवानी पड़े, आए दिन दलित मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है, वो देश रफाल खरीदकर किसको किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? धर्म के लिए मिटने और इसके नाम पर मारने वाला ये समाज क्या कभी मानवता समझ पाएगा? आज जन की बात में इतना ही। जुड़े रहिए द शूद्र के साथ। मुझसे जुड़ने के लिए मुझे आप ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। जय भारत, जय भीम।